आज हम बनाने वाले हैं आंवले की बहुत ही टेस्टी और चटपटी रेसिपी, जिसे देखते ही हर कोई बनाएगा, तो इसे एक बार ट्राई जरूर करें। तो रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे हमारे आने वाले नए नए वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो यहाँ पर हमने आंवले लिए थे, जिन्हें धुलकर साफ़ कर लिया था और गैस पर इस तरह से हमने इन्हें थोड़ी देर के लिए भून लिया है। इससे क्या होगा कि इनका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। तो इस तरह से यदि हम आंवले की चटनी बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी और चटपटी बनकर तैयार होगी और इस तरह से इनमें बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। और आप चाहें तो इस तरह से भी इसे सेक सकते हैं गैस पर। तो आप एक फॉग लें और उसमें इस तरह से इसे सेक सकते हैं। तो दोनों ही तरह से इन्हें हल्का हल्का सेक लें और इसके बाद आप इन्हें एक बर्तन में निकाल लेंगे। ज़्यादा भी नहीं सेकना है, नहीं तो ये जल जाएंगे। तो हल्का सा ही इन्हें हमने सेक लिया है और एक बर्तन में निकाल लिया है। इसके बाद जो ज़्यादा इस तरह से दिख रहे हैं काले काले छिलके, वो हटा लेंगे। वैसे ज़रूरत नहीं होती, टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। इन्हें हम इसलिए हटा रहे हैं ताकि जो हमारी चटनी है उसका कलर चेंज ना हो। तो इस तरह से हम इन्हें हटा लेंगे और इन्हें हमें इस तरह से सेकने के बाद धुलना नहीं है, बस डायरेक्ट ठंडा होने के बाद ही हम इससे चटनी बना लेंगे। बस हम ऊपर से इस तरह के जो छिलके हैं वो हटा लेंगे। आंवले की चटनी आपने बहुत बार अलग अलग तरह से बनाई होगी, एक बार आप इस तरह से भी बनाएं, ये भी बहुत टेस्टी लगती है। इसके बाद हम सारे ही आंवले कट कर लेंगे और ये बहुत ही आसानी से कट हो जाते हैं। तो इन्हें हम इस तरह से कट करेंगे और जो बीज है वो हटा देंगे। तो हमने सारे ही आंवले यहाँ पर कट कर लिए हैं और घर में ही हम प्याज लहसुन जो इस्तेमाल करते हैं, इसके इस्तेमाल से ही हम बहुत ही बढ़िया टेस्टी चटनी बनाकर यहाँ पर तैयार करेंगे। तो बस आप इस तरह से बनाएं, कच्चे आंवले की चटनी भी बहुत टेस्टी लगती है, पर इस तरह से बनाएंगे तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो एक हम मिक्सर जार लेंगे और जो हमने आंवला कट करके लिए थे वो ऐड कर दिए हैं, और इसके बाद हमने एक प्याज ली थी वो कट करके ली थी, उसे भी ऐड कर देंगे, और थोड़ा सा हमने अदरक लिया था वो भी ऐड कर दिया है, और 5 से 6 लहसुन की कलियाँ ली थी वो भी ऐड कर दी हैं, 3 हरी मिर्ची ली थी जिन्हें हमने कट कर लिया था वो भी ऐड कर देंगे, और इसके बाद हम 1/2 चम्मच जीरा ऐड करेंगे और बहुत सारा हरा धनिया लेंगे। हरा धनिया इसमें हम थोड़ा ज़्यादा ही ऐड करेंगे, जिससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके बाद 1/2 चम्मच नमक ऐड किया है, नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हम इसे पीस लेंगे। तो इसे हमें डायरेक्ट नहीं पीसना है, मिक्सी को ऑन ऑफ करते हुए पीसेंगे। इससे क्या होगा कि अच्छे से पिस जाएगी और इसमें हम पानी ऐड नहीं करेंगे। यदि आप थोड़ी सी इसे ठीक रखना चाहते हैं तो पानी ऐड ना करें, और यदि आप मार्केट जैसी जिस तरह से हम समोसा कचौड़ी के साथ बनाते हैं पतली वाली, तो उसमें थोड़ा सा आप पानी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी चटनी बन के तैयार है और इसे एकदम बारीक भी नहीं पीसना है, हल्का सा हम मोटा ही रखेंगे। इस तरह से इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है, और यदि आप मिक्सी को ऑन ऑफ करते हुए पीसेंगे तो आपकी चटनी भी इस तरह से बनके तैयार हो जाएगी, और यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी बनी है। तो एक बार आप ट्राई ज़रूर करें। तो एक बर्तन में हम इसे निकालेंगे। अभी ठंडी का टाइम है तो आराम से बिना फ्रिज के ये 4-5 दिन चल जाएगी, और यदि आप फ्रिज में स्टोर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बहुत टाइम तक चल जाती है। और इस तरह से थोड़ी सी हमने चटनी बना ली है, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है और मिक्सर जार में डालकर इसे चला लिया है। तो इस तरह से भी बना सकते हैं, इसे आप समोसा कचौड़ी के साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है, और अभी मार्केट में भी इस तरह की चटनी मिलती है, तो इसे भी आप ट्राई कर सकते हैं। दोनों ही तरह से जैसे भी आप बनाना चाहें बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी और चटपटी चटनी बनके तैयार है। इसे रोटी पराठे के साथ आप ऐसे भी खा सकते हैं। इस तरह से आप चटनी बनाकर खाने के साथ खाएंगे तो खाने का स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हमारे आने वाले नए नए वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।